मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की मंडलीय कार्यशाला का आयोजन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह के सभागार में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का नेटवर्क तैयार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष को आईना दिखाए। इन योजनाओं से लाखों करोड़ों परिवारों में खुशहाली आई है। अगर उन परिवारों से संवाद कर उनकी बातचीत का तथ्यात्मक व सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर डालेंगे तो सफेद झूठ बोलने वाला विपक्ष कहीं नहीं ठहरेगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा, उनकी सारी मनसा धूल धूसरित हो जाएगी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है, बहुत बड़ी आबादी को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। प्रदेश में 2.61 करोड़ शौचालय बने हैं, जिसका फायदा 10 करोड़ लोगों को हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बने 40 लाख से अधिक आवासों से 2 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। कोविड काल में 15 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन मिला। 2.53 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। 1.56 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन व 1.38 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कन्या सुमंगला योजना से 10 लाख बालिकाएं आच्छादित हुई। प्राथमिक विद्यालयों के 1.81 करोड़ बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग आदि प्रदान किया गया। अभ्युदय कोचिंग से 10 लाख से अधिक नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क तैयारी का मौका मिला। सामूहिक विवाह योजना से 1.60 लाख गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। 10 लाख से अधिक को दिव्यांगजन पेंशन, 29 लाख से अधिक को निराश्रित महिला पेंशन व 60 लाख से अधिक को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिला। 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली तो प्रदेश में हुए निवेश से 1.61 करोड़ को रोजगार मिला। साथ ही 60 लाख लोगों को स्टार्टअप आदि योजनाओं के तहत बैंकों से जोड़कर सेवायोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। उनसे बात करके सोशल मीडिया के लिए छोटे और प्रभावी कंटेंट बनाए जा सकते हैं। यदि हम ऐसा कर लें तो सोशल मीडिया पर कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया में दो तरफा संवाद होता है, यदि आप इस पर सक्रिय हैं तो तत्काल जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आपके खिलाफ ट्रेंड होने का खतरा बना रहेगा। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली उपस्थिति को नजरअंदाज किया गया तो नकारात्मक खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के अपने अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र व राज्य सरकार की भी वहां प्रभावी उपस्थिति है। इनसे जुड़कर और अधिकाधिक लोगों को जोड़कर लाइक शेयर करें, सकारात्मक व छोटे कंटेंट लिखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे विपक्ष को जवाब देने का हथियार बनाएं, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। इस अवसर पर आईटी एवं सोशल मीडिया के प्रभारी पीएन पाठक, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ल, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश सह संयोजक शशि कुमार, हिमांशु राज पंडित, क्षेत्रीय संयोजक अनादि प्रिय पाठक, सौरभ अग्निहोत्री, शमीर श्रीवास्तव, अनुभव वाजपेयी, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जनता पार्टी।
अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। मैं पूज्य महाराज जी को और मंच पर आसीन सभी हमारे मंचासीन को दीप प्रज्वलन के लिए हम भैया भैया सभी का ये कार्यक्रम है। अब सभी लोग हम अपने अपने स्थान पे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्सना पुलकित यामिनी द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। को एकल पुष्प दे करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। इसके यशस्वी मुख्यमंत्री हम सब की आस्था के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष और सभी विभागों के का काम देख रहे सम्मानित पीएन पाठक जी, प्रदेश सह संयोजक आईटी श्री हिमांशु राज पंडित जी, मीडिया के प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया के सम्मानी शशि कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, क्षेत्र के संयोजक आईटी के अनादि प्रिय पाठक जी, क्षेत्र के सोशल मीडिया के संयोजक सौरभ अग्निहोत्री जी, सभी चारों जनपदों के आईटी और सोशल मीडिया के यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबका शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखने वाले, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने वाले, प्रातः जागरण से लेकर देर रात तक परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, अयोध्या के अंदर कभी त्रेता युग में दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था, ये किताबों में अपने परिवार के बुजुर्गों से सुना करते थे हम सब लोग, लेकिन उसको सचमुच कलयुग में उस अयोध्या की धरती पर दीपोत्सव के माध्यम में उतारने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, वृंदावन के अंदर बरसाने की होली में शामिल होने वाले और उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कामतगिरी भगवान कामतगिरी की नंगे पांव परिक्रमा करने वाले, भगवान भोलेनाथ के भक्तों पर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कराने वाले और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आप सब की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 18वीं शताब्दी में हम सब ने सुना था, किताबों में पढ़ा था कि अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का सुंदरीकरण करा करके जीर्णोद्धार करा करके एक धार्मिक स्थलों को संवारने का काम किया था, लेकिन वर्तमान में उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके नेतृत्व में अभी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 825 ब्लॉक प्रमुखों में 648 और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में 67 जिला पंचायत अध्यक्षों की ऐतिहासिक विजय हुई है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
सोशल मीडिया और आईटी के यहां हमारे सभी योद्धा बैठे हैं। एक बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी थी 2017 के पहले, हमको सोशल मीडिया और आईटी के माध्यम से जो दुष्प्रचार हो रहे हैं लोगों के, उसका ठीक से एक योद्धा पराक्रमी योद्धा की तरह जवाब देने की जरूरत है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी थी? सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई से बड़ा गुंडा अपराधी थानों के अंदर जाता था अपराध करके, और समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण देते हुए उसको थानों से बाहर निकाल लाते थे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर मंडल के आईटी और सोशल मीडिया के आज की इस विशेष कार्यशाला कार्यक्रम में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और विभाग के प्रभारी CPN पाठक जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष श्री दुष्ट सिंह जी, प्रदेश सह संयोजक IT श्री हिमांशु राज पंडित जी, प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया श्री शशि कुमार जी, क्षेत्रीय संयोजक IT श्री अनादी प्रिय पाठक जी, क्षेत्रीय संयोजक सोशल मीडिया श्री सौरभ अग्निहोत्री जी, और आज के इस विभाग की विशेष कार्यशाला में उपस्थित IT और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आपके इस कार्यशाला के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने भी आज के इस सबसे बड़े हथियार का उपयोग न केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये कितना गलत है, हम सब जानते हैं समय बदला है। मुझे याद है जब हम लोग 1990 के दशक के अंत में सार्वजनिक जीवन में आए थे तो उस समय मीडिया में प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, और प्रिंट मीडिया की प्रभावी उपस्थिति थी। एक समाचार पत्र घर में और गांवों में भी जाता था, उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। किसी चाय की दुकान में या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समाचार पत्र आता था, पूरा गांव उस समाचार पत्र को पढ़ता था, और उसमें एक एक खबर का अवलोकन करता था। स्वाभाविक रूप से प्रिंट मीडिया की अहमियत को हम आज भी कम नहीं कर सकते, उसकी अपनी जगह है। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आया। विजुअल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अनेक ऐसे चैनल आए जिन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन प्रारंभ किए और हर आधे घंटे में या
तत्काल भी आप देखते होंगे कोई घटना कहीं घटित होती है तो उनके रिपोर्टर के माध्यम से या अन्य उनके स्रोत के माध्यम से उनके पास न्यूज आती है, उनके द्वारा हेडलाइंस दे दी जाती है। लेकिन विगत एक दशक से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में भी उसके अलग अलग वर्जन देखने को मिले हैं। पहले हम समाचार के पास जाते थे पढ़ने के लिए, आज समाचार हमारे पास आता है, हमारी जेब में है, अब हमें भटकना नहीं पड़ता है, इंतजार नहीं करना होता है। पहले अगर छुट्टी के दिन है तो व्यक्ति घर में उब जाता था अगर समाचार पत्र नहीं आया, लेकिन आज नहीं आया, उसके पास स्मार्टफोन है, अपना टैबलेट है, वो तत्काल डाउनलोड कर लेता है, देख लेता है कहां पे क्या घटना घटित हुई, एक एक घटना की जानकारी होती है। और अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं तो देश और दुनिया की एक एक गांव की एक एक खबर की पूरी जानकारी आपके पास होती है। डिजिटल मीडिया ने कितना परिवर्तन ला दिया है, जिस समाचार के लिए आपको गांव में चाय की दुकान में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक पुस्तकालय में, बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे 90 के दशक तक जिनके पास समाचार पत्र खरीदने तक के लिए पैसा नहीं होता था, या किसी को बहुत सारी चीजें होती थी कि कई कई पेपर पढ़ना चाहता था तो किसी पुस्तकालय का सहारा लेता था, किसी अन्य ऐसे परिवारों का सहारा लेता था जिसके माध्यम से वह समाचारों को और गहराई से देख सके, जान सके, उसकी महत्वपूर्ण कतरन को अपने पास रख सके। लेकिन आज हर एक व्यक्ति जिसने थोड़ी भी रुचि ली उसकी जेब में एक एक समाचार होता है, उनकी जानकारी होती है, ये तो सबके पास है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आपके खिलाफ जो दुरुपयोग किया जाता है उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है, जमीन के नीचे जमीन पर जिन लोगों की उपस्थिति एकदम जीरो है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वे लोग जिस तरीके से प्रभावी होकर के हमले करते हैं, जिस तरीके से आपकी अच्छे कार्यों में भी आपको पूरी तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास एक उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। और उस प्रशिक्षण के लिए गोरखपुर विभाग, जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी के चारों जनपद हैं, उनकी ये विशेष कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज संजोग है कि मैं भी गोरखपुर में हूँ तो गोरखपुर में आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। याद रखना, ये सोशल मीडिया है, यह दो चीजें हमें देखनी होंगी। प्रिंट मीडिया में एक तरफा संवाद होता था, विजुअल मीडिया में भी कभी कभी एक तरफा ही संवाद होता है, लेकिन सोशल मीडिया में दो तरफा संवाद होता है, आपके पास इसका एक स्पेस होता है। याद रखना, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर आप सक्रिय हैं, जागरूक हैं, तो अगर सोशल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में अगर किसी ने आपके खिलाफ, आपके संगठन के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ कोई बात कही तो छप जाने के बाद हम पढ़ते हैं, फिर अगले दिन अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। विजुअल मीडिया में भी अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपके खिलाफ कोई समाचार है, आपकी प्रतिक्रिया लेने, आप प्रतिक्रिया नहीं ली गई, उस दिन वह चला जाता है, आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है।
लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है। अगर कोई घटना चल रही है, कोई बात आई, आपके पास एक स्पेस होता है, उसका खंडन कर सकते हैं, आप तत्काल उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देते तो वही मीडिया ट्रायल का विषय बनता है, वही ट्रेंड करता रहता है, दिन भर आपके खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचती है और आपके खिलाफ एक वातावरण बनता है। और हम लोग सोशल मीडिया की इस प्रभावशाली उपस्थिति को जान नहीं पा रहे थे, उसके बारे में बहुत रुचि नहीं ले पा रहे थे, इसकी सशक्त भूमिका को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे थे, और लंबे समय तक इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। जिनकी जमीन की हकीकत कुछ भी नहीं, ग्राउंड जीरो पर सचमुच जो जीरो है, वे सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में प्रभावी होने के नाते वे छोटी छोटी बातों को लेकर के हमको घेरने का प्रयास करते, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन जहां पर कार्यकर्ता जागरूक है, सक्रिय है, सचेत है, वह उतनी ही प्रभावी तरीके से उसका जवाब भी देता है, तो मीडिया टायर का विषय नहीं बन पाता है, ट्रेंड नहीं कर पाता है, आपके खिलाफ किसी भी चीज को वह आपको घेरने का माध्यम नहीं बना पाता है। और इसलिए आज के इस अवसर पर, इस कार्यशाला में, मुझे आप सबसे ही कहना, आपने देखा होगा, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, इन सब में आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने अकाउंट हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी उस पर प्रभावी उपस्थिति है। अगर हम थोड़ी भी उसको लाइक करें, कोई ट्वीट होता है रिट्वीट करें, अपना कंटेंट लिखें, सकारात्मक कंटेंट, छोटा सा, छोटे छोटे वाक्यों में, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत प्रभावी हो सकता है। या अगर कोई कहता है कि कुशीनगर में कोई कार्य नहीं हो रहा है और कुशीनगर का कार्यकर्ता कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फोटो लेकर के उसको बता देंगे कि भाई क्या ये कार्य नहीं हो रहा है, क्या ये क्या है, कम से कम इतना सफेद झूठ मत बोला करो, तो उसकी समझ में आएगा। आप बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इतना पर्याप्त है। कोई कहेगा देवरिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसको देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर बन रहे मेडिकल कॉलेज की फोटो उसके साथ अपलोड करो, ये क्या है। हम तो सोचते थे कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, आप भी ऐसे हैं कि आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कमेंट पर्याप्त है, वो आपका कोई ट्रेंड फिर आपके खिलाफ कोई ही नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कोई जिला हो, कोई जनपद ऐसा नहीं कह सकता जिसमें विकास के कार्य न हुए हो, और कोई जनपद ऐसा नहीं कह सकता जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ी आबादी को शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित न किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को दिए गए शौचालय हो, प्रदेश में 2,61,00,000 लोगों को शौचालय दिए गए, 2,61,00,000 का मतलब 10 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ से अधिक की आबादी से आच्छादित हुई, 40,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उपलब्ध कराई गई, 40,00,000 का मतलब 2 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित हुए हैं, 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा, कोविड के प्रथम लहर में भी और दूसरी लहर में भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है, 15 करोड़ लोगों की उपस्थिति है उसमें, 2 करोड़
करोड़ 53 लाख परिवार किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया गया है। 1 करोड़ 56 लाख परिवार ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जिन्हें रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। अगर ये जो परिवार हैं, ये आपके गांव, आपके सेक्टर में, आपके बूथ में, आपके सेक्टर में, आपके मंडल में ही होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। ये जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इसका दायरा कहां है? आपका वार्ड, आपका मंडल, आपका बूथ या आपका सेक्टर या आपका मंडल, ये सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं है। अगर इनके साथ संवाद बना करके उनको भी हम अपने इस मीडिया के पार्ट का हिस्सा बना लें, उसके साथ जोड़ सकें, कितना व्यापक अभियान बन सकता है। बहुत बड़ी उपस्थिति आपकी हो सकती है, बहुत बड़ी उपस्थिति हो सकती है। और मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे, बहुत बड़ा कार्य होगा। युवाओं के लिए आपने देखा होगा कितनी योजनाएं चल रही हैं। हमने विगत वर्ष मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई, बालिका के जन्म लेने से लेकर के बालिका के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए हम उस बालिका को उपलब्ध करवाते हैं, उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। 10 लाख परिवार अब तक इससे आच्छादित हुए हैं, 10 लाख परिवार, अब 10 लाख बालिकाएं। अगर उन परिवारों के साथ संवाद बनाया होता हम लोगों ने, 1 करोड़ 81 लाख बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सब उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। 1 करोड़ 81 लाख पर बच्चों को, इतनी बड़ी संख्या, उनके साथ अगर संवाद बनाने का प्रयास क्या होता। प्रदेश के अंदर अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार वर्तमान में अभ्युदय योजना के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 10 लाख से अधिक बच्चों बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्चुअली और फिजिकली उनको जोड़ करके कोचिंग का फ्री में प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 1,60,000 से अधिक बालिकाओं की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक शादी संपन्न कर चुकी है। आप सोचिए ना, ये गरीब कन्याएं कहीं किसी उत्तर प्रदेश की तो है। 10 लाख दिव्यांग जनों को दिव्यांग जन पेंशन की सुविधा प्रदेश सरकार दे रही है। 29 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। और 60 लाख से अधिक वृद्धजनों को भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर इन सभी लोगों के साथ एक संवाद बनाने का काम होता, कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है। जिन योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है, परंपरागत उद्यम मिला है, 4.5 लाख सरकारी नौकरी, निजी निवेश का बेहतर वातावरण बनाने के बाद प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा, परंपरागत उद्यम और प्रशिक्षण के माध्यम से, स्वयं के स्टार्टअप के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 60 लाख लोगों को बैंकों के साथ जोड़ने, वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ने का काम भी इस दौरान हुआ है। अगर इन सब के साथ संवाद बना करके हम लोग विपक्ष का जवाब दे सकें,
तो विपक्ष आपके सामने कहीं नहीं ठहरेगा, वो तो धूल दूषित हो जाएगा, एकदम मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन जब हम लोग उसका जवाब ही नहीं देंगे, शांत बैठे रहेंगे, ये मान लेंगे कि नहीं ये सोशल मीडिया में हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है, हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें ट्वीट रिट्वीट कंटेंट उसमें नहीं देना है, कोई कमेंट हमें नहीं करना है, तब तो हो गया काम। फिर हमें अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करनी होगा। जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार है, अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर कोई भी आपको आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी जानकारी होना, कंटेंट भी लगते हैं छोटे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, लोग पसंद कर सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जिससे आज का यह प्लेटफॉर्म कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है, मैं प्रदेश से आई हुई सोशल मीडिया की टीम और आईटी की टीम को, क्षेत्र की आईटी और सोशल मीडिया की टीम को, विभाग की आईटी और सोशल मीडिया की टीम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से यहाँ पर आयोजित किया है। आप सबसे मुझे इसी बहाने संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर आप सबके इस कार्यशाला के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को, संगठन के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति और इस पूरी कार्यशाला के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। देखिए आईटी और सोशल मीडिया का हमारा जो प्लेटफार्म है पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही सक्रिय है, और पूरे उत्तर प्रदेश की ये कार्यशाला लखनऊ में हुई थी। आज गोरखपुर कमिश्नरी की कार्यशाला यहाँ पर संपन्न हो रही है। गोरखपुर जिला, गोरखपुर महानगर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के आईटी विभाग के सोशल मीडिया और आईटी विभाग के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और इसका उद्घाटन सत्र अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। जो हमारे केंद्र में 7 वर्षों से मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, और जो 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इसकी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को कैसे हम नीचे तक ले उतार सकें, इसमें हमारे आईटी विभाग और सोशल मीडिया के योद्धा पूरी तरह से निपुण होकर के कैसे नीचे तक ले जा सकें, इसके दृष्टि से भी यह कार्यशाला महत्वपूर्ण थी। और जिस प्रकार से विपक्षी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं उनका ठीक ढंग से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर हम जवाब दे सकें, इसके लिए भी ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण थी। निश्चित रूप से आईटी और सोशल मीडिया हमारे योद्धा की तरह काम करते हैं, और जब भी कोई भ्रम फैलाने का काम, झूठ बोलने का काम करता है तो उस आईटी और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर हमारे आईटी और सोशल मीडिया के कार्यकर्ता उसका ठीक से जवाब देते हैं और सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।